जय हिंद स्टूडेंट्स, दिस इज़ मनोज शर्मा। वंस अगेन वेलकम टू माय चैनल मैथमेटिकल गार्डन। टुडे वी आर गोइंग टू सॉल्व आवर एक्सरसाइज नंबर 2.1 ऑफ चैप्टर 2 एंड क्लास 9th। तो हम 9th क्लास के चैप्टर 2, जिसमें हमने पॉलीनोमियल्स के बारे में पढ़ा था इन द लास्ट वीडियो, यहाँ पर हमने ये देखा कि पॉलीनोमियल क्या होते हैं, ज़ीरोज़ क्या होते हैं एंड वैल्यू ऑफ द पॉलीनोमियल क्या होता है। ठीक है, कंडीशंस उनकी कि पॉलीनोमियल कब कहेंगे, टाइप्स ऑफ पॉलीनोमियल ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री एंड द बेसिस ऑफ टर्म्स, ये सारी बातें हमने लास्ट वीडियो में पढ़ी हुई थी। और जिन्होंने नहीं पढ़ी हुई हैं वो हमारी फर्स्ट वीडियो और सेकेंड चैप्टर देख सकते हैं। तो आज हम एक्सरसाइज 2.1 सॉल्व करेंगे जो उन्हीं टर्म्स के बेसिस पर है। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन वाइज एंड द क्वेश्चन नंबर 1 इज विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस आर पॉलीनोमियल्स इन वन वेरिएबल एंड विच आर नॉट, स्टेट रीजंस फॉर योर आंसर। तो सबसे पहले हमसे ये कहा गया कि इनमें से जो भी एक्सप्रेशन यहाँ पर हमें दिए हुए हैं, इनमें से कौन सा वन वेरिएबल का पॉलीनोमियल है। ठीक है ना, तो पॉलीनोमियल इन वन वेरिएबल माइंड में हमारा सेट है कि वेरिएबल एक ही यूज होगा। ठीक है, ध्यान रखने वाली बात है, इसको याद रखिएगा। नाउ तो पहला मेरा क्या है, 4x² - 3x + 7। पॉलीनोमियल की कंडीशन ये थी कि जो वेरिएबल यूज है उसकी जो पावर हो वो हमारा होल नंबर होना चाहिए, या हम कह सकते हैं पॉजिटिव इंटीजर होना चाहिए। ठीक है ना, तो यहाँ पर हमने एक्स की पावर देखी 2 है। ठीक है, मैं मार्क कर रहा हूँ अदर पेन से ताकि आपको समझ में आए, ये एक्स की पावर हमारी कैसी है, 2 है। इसी तरह से यहाँ पर एक्स की पावर कुछ नहीं लिखी, मतलब 1 है यहाँ पर पावर। ठीक है, तो पावर होल नंबर में है, गुड। वेरिएबल भी एक ही यूज है, दैट इज एक्स। तो ये हमारा वन वेरिएबल का पॉलीनोमियल है, तो यस। ठीक है, रीजन मैं लिख नहीं रहा हूँ, उसको मैं आपको डिक्टेट कर रहा हूँ। तो ये हमारा पॉलीनोमियल इन वन वेरिएबल है। ठीक है ना, मैंने लिख दिया यस। क्वेश्चन नंबर 2, y² + √2। अब जो अंडर रूट लगा हुआ है वो एक कांस्टेंट पे यानी 2 पर लगा हुआ है, तो उसमें मुझे उससे मतलब नहीं है कि कांस्टेंट कैसा हो, वो 0 भी हो सकता है, रूट हो सकता है, कुछ भी। तो वेरिएबल यूज्ड ओनली y, पावर उसकी हमारा होल नंबर में है और कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ भी कोई हमारा वेरिएबल नहीं है तो उसकी पावर 0 रही होगी। तो इट इज़ ऑल्सो अ पॉलीनोमियल इन वन वेरिएबल, सॉरी यस। अब यहाँ बात करें तो हमारे पास जो वेरिएबल यूज्ड है वो है t, दिख रहा है आपको। अब देखिए यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, 3√t + t√2। यहाँ पर तो कोई कंडीशन में कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि पावर 1 है और यहाँ पर एक कांस्टेंट √2 है। पर यहाँ पर जो पावर है वो पावर क्या बन रही है, आप ध्यान से देखेंगे तो t के साथ जो पावर है वो 1/2 + √2 × t, ये बन रहा है। अब आप देखें कि जो पावर होती है वो हमारी होल नंबर होती है, ये होल नंबर नहीं है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ पर हम आंसर लिखेंगे नो, ये हमारा है ना पॉलीनोमियल नहीं है। मैं यस नो से आपको बता रहा हूँ, आप लिखेंगे यस इट इज़ अ पॉलीनोमियल, नो इट इज़ नॉट अ पॉलीनोमियल। और रीज़न क्या होगा वो मैं आपको डिक्टेट कर रहा हूँ कि यहाँ पर अंडर रूट, ये जो हमारा अंडर रूट लगा हुआ है, इट मीन्स 1/2 पावर। तो अब 1/2 हमारा होल नंबर तो है नहीं कि हमारा सही होगा। पॉलीनोमियल क्या चाहिए कि वेरिएबल की पावर होल नंबर होनी चाहिए। ठीक है ना, ध्यान रखिएगा इसको। अब फोर्थ को देखें तो फोर्थ में लिखा हुआ है y + 2/y। इसको हम थोड़ा सा सिंप्लीफाई टाइप का लिखते हैं, यानी कि y को ऊपर लिखते हैं तो क्या हो जाएगा, पावर -1। अब यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं, इस टर्म में कोई प्रॉब्लम नहीं, पर इस टर्म में क्या है, पावर माइनस में है, पॉजिटिव इंटीजर या होल नंबर तो नहीं हुआ, तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये भी हमारा पॉलीनोमियल इन वन वेरिएबल नहीं है। लास्ट आते हैं फिफ्थ पार्ट पर, तो यहाँ पर x की पावर 10 है प्लस y की पावर 3 है प्लस t की पावर 50। तो यहाँ पर आप देखें तो पावर में प्रॉब्लम नहीं है, पावर एकदम करेक्ट है ना, होल नंबर है, नो प्रॉब्लम, बट वेरिएबल्स आर
डिफरेंट डिफरेंट, यानी कि मोर देन वन वेरिएबल यहाँ पर हैं, यहाँ पर वेरिएबल एक्स यूज़ है, यहाँ पर वाई यूज़ है, यहाँ पर टी, तो ये पॉलिनोमियल तो हैं बट नॉट इन वन वेरिएबल, ये एक वेरिएबल में नहीं है, इसलिए यहाँ भी हमारा आंसर हो जाएगा नो, क्योंकि हमें क्या चाहिए था, क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल, पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल, तो हमें वन वेरिएबल में चाहिए था और इस वाले में हमारे वन वेरिएबल में नहीं है, इसलिए हमने नो लिखा, करेक्ट। नाउ सेकेंड क्वेश्चन इज राइट द कोफिशियंट्स ऑफ एक्स स्क्वायर इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। अब यहाँ पर एक्स स्क्वायर का कोफिशियंट लिखना होगा, ध्यान से देखिए, पहला क्वेश्चन है 2 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, अब यहाँ पर एक्स स्क्वायर का टर्म ये है और उसके आगे कुछ भी मल्टीपल में नहीं है, और जिसके आगे कुछ भी नहीं होता उसका हम क्या कहते हैं, वन होता है, करेक्ट है। तो इस टर्म में जो एक्स का कोफिशियंट है वो क्या है, वन, लाइक दिस, वन इंटू एक्स स्क्वायर, तो कोफिशियंट हमारा क्या हो गया, वन, तो लिखेंगे कोफिशियंट ऑफ एक्स स्क्वायर इज वन। यहाँ बात करते हैं सेकंड क्वेश्चन में, तो 2 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस थ्री एक्स टू पावर 3, एक्स स्क्वायर के आगे कुछ भी नहीं है तो 1 तो होगा ही, साथ में साइन भी माइनस की है तो कोफिशियंट इसका क्या हो जाएगा, माइनस 1। अब आप इस जैसा लिख लीजिएगा, ठीक है, तो कोफिशियंट कितना हो गया, माइनस 1। नाउ थर्ड क्वेश्चन में पाई बाई 2 एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, अब यहाँ पर देखें तो इस टर्म में है ना पाई बाई 2 इंटू एक्स, तो एक्स के साथ कौन मल्टीपल में है, टोटल पाई बाई 2, तो पाई बाई 2 इज़ द आंसर और कोफिशियंट हमारा यही हुआ, ठीक है। अब इस तरह से आपको नहीं लिखना है, आपको बस स्टेटमेंट में लिखना है कि कोफिशियंट क्या हुआ, तो आप लिखेंगे कोफिशियंट ऑफ एक्स स्क्वायर इज इस क्वेश्चन के लिए पाई बाई 2। यहाँ पर एक्स स्क्वायर का टर्म ही नहीं है, जो हमारा फोर्थ पार्ट है आप देखेंगे यहाँ पर अंडर रूट 2 एक्स माइनस 1 है। अब एक्स स्क्वायर का टर्म नहीं है, इसका मतलब क्या हो सकता है कि समथिंग जीरो इंटू रहा होगा एक्स स्क्वायर के टर्म में, है ना, लाइक दिस, कि कुछ भी जीरो रहा होगा, इसीलिए वो टर्म इंटू जीरो होकर जीरो हो गया, यहाँ पर दिख नहीं रहा है। तो ऐसा नहीं कहेंगे कि कोई वहाँ पर उसका कोफिशियंट ही नहीं है, तो वहाँ पर कोफिशियंट क्या हुआ, जीरो, ठीक है, एक्स स्क्वायर का कोफिशियंट क्या हुआ, जीरो। नाउ द क्वेश्चन नंबर 3 इज गिव वन एग्जाम्पल ईच ऑफ अ बाइनोमियल ऑफ डिग्री 35 एंड ऑफ अ पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 100। मतलब एक बाइनोमियल आपको बनाना है, आपको अपने मन से बनाना है, जिसकी डिग्री 35 हो एंड द पॉलिनोमियल आपको बनाना है जहाँ पर डिग्री 100 हो, सॉरी पॉलिनोमियल नहीं, मोनोमियल बनाना है ना, डिग्री यहाँ पर 100 हो। तो बाइनोमियल में दो टर्म होते हैं ये हमें पता है, तो बाइनोमियल का एग्जांपल हमारा किस तरह से होगा, कोई भी दो टर्म बना लेते हैं हम लोग, सपोज करिए हमने बनाया एक्स प्लस 10x। अभी मैंने ऐसे क्यों लिखा, उसका कारण है, इसके ऊपर मैं 35 अगर लगा दूं पावर, तो डिग्री किसे बोलते हैं, डिग्री बोलते हैं कि हमारे पास जो भी वेरिएबल है उसकी मैक्सिमम पावर, तो यहाँ पर एक्स वेरिएबल है उसकी मैक्सिमम पावर 35, तो डिग्री हो गई 35, और बाइनोमियल बोल रहा है तो दो टर्म भी हमारे पास, देखो एक्स की पावर 35 और 10x। तो इस तरह से कोई भी एग्जांपल आप क्रिएट कर सकते हैं। सेकंड एग्जांपल जो हम बनाएंगे मोनोमियल के लिए, डिग्री 100, कोई भी एक वेरिएबल ले लीजिए लाइक वाई, और मैंने क्या कहा, पावर लगा दी 100। अब यहाँ पर केवल एक टर्म है जिसकी पावर क्या है, 100 है, तो डिग्री हमारी 100 भी हो गई और टर्म केवल एक है, सिंगल टर्म, जरूरी नहीं है यही आप लिखें, आप और भी कुछ लिख सकते हैं 5k पावर 100, ये भी देखो सब मल्टीपल में है ना, तो यहाँ भी एक ही टर्म हुआ, तो जो एग्जांपल आपको सुटेबल लगता है आप आंसर में लिख लीजिए। नाउ क्वेश्चन नंबर 4, राइट द डिग्री ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल। आपको डिग्री लिखनी है इन पॉलिनोमियल्स की। अब डिग्री फिर से आपको रिमाइंड कर देते हैं कि मैक्सिमम पावर ऑफ वेरिएबल used in the polynomial, 5x to the power 3 plus 4x to the power 2 plus 7x। अब यहाँ variable used कौन है, वो है x, और उसकी सबसे बड़ी power कहाँ पर है, तो ये रहा, कितना है 3,
तो डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल, तो डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल कितना हो गया 3, करेक्ट। इस क्वेश्चन की बात करें 4 माइनस वाई स्क्वायर, वेरिएबल यूज्ड इज y और y की पावर कितनी है 2, और कोई y तो है नहीं, तो सबसे बड़ी पावर कितनी हुई 2, तो डिग्री कितना हुआ 2। थर्ड 5t माइनस अंडर रूट 7, वेरिएबल यूज्ड इज t, ये जो t है यही हमारा वेरिएबल है और उसकी पावर कुछ लिखी नहीं है, इसका मतलब क्या होता है पावर में अगर कुछ नहीं है तो 1, और कहीं पर हमारे पास वेरिएबल है नहीं, तो मैक्सिमम पावर हुई 1, तो हमारा यहाँ पर डिग्री जो हुआ इस क्वेश्चन में दैट इज 1, ठीक है। नाउ लास्ट फोर्थ ऑप्शन जो हमारा है वहाँ पर दिया गया है 3 ओनली, इट इज़ अ कॉन्स्टेंट, तो इसे कहेंगे कॉन्स्टेंट टर्म ऑफ द पॉलिनोमियल, कॉन्स्टेंट पॉलिनोमियल भी कह सकते हैं, ठीक है ना। अब यहाँ पर कोई वेरिएबल ही नहीं है, तो हम ऐसा सोच सकते हैं ना कि हो सकता है कोई भी वेरिएबल, लेट करो एक्स ही था, तो उसकी पावर 0 रही हो, क्योंकि किसी की पावर 0 का मतलब क्या होता है 1, तो यानी 1 × 3 यानी 3 बन गया, तो ऐसा हो सकता है कि ऐसा कोई पावर रहा हो। तो अब यहाँ पर हमारा जो डिग्री होगा वो क्या होगा, मैक्सिमम यानी 0, ठीक है। तो इसको हम 0 पॉलिनोमियल, यानी कि जब भी हमारा कॉन्स्टेंट टर्म दिया जाए तो हम वहाँ पर डिग्री 0 ही लिखेंगे, ओके। नाउ लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज इज क्वेश्चन नंबर 5, क्लासीफाई द फॉलोइंग एज अ लीनियर क्वाड्रेटिक एंड क्यूबिक पॉलिनोमियल, मतलब हमें इस क्वेश्चन में जो भी दिया गया है पॉलिनोमियल, इसमें मुझे केवल ये आइडेंटिफाई करना है वेदर द गिवन वन इज लीनियर क्वाड्रेटिक और क्यूबिक पॉलिनोमियल। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, हम जानते हैं कि लीनियर क्वाड्रेटिक और क्यूबिक हम डिफाइन करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री, डिग्री मीन्स द पावर, मैक्सिमम पावर ऑफ वेरिएबल। तो यहाँ पर वेरिएबल जो यूज्ड है वो है एक्स और उसकी मैक्सिमम पावर है 2, और जब भी पावर 2 होती है हम क्या बोलते हैं उसको, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, ठीक है ना। तो यहाँ पर ये क्वाड्रेटिक है, नेक्स्ट मैक्सिमम पावर 3 क्यूबिक, नेक्स्ट मैक्सिमम पावर 2 लिख रहा है आपको वेरिएबल में, क्वाड्रेटिक, बस मैक्सिमम पावर ढूंढना है 2, 3, 1 के केस में मुझे बात करनी है, नेक्स्ट मैक्सिमम पावर इसकी 1 लीनियर, ठीक है लीनियर ओनली, यहाँ पर लिखा है 3t, तो इसकी t की पावर कुछ नहीं है यानी कि 1, तो लीनियर, कुछ लोग इसको लाइनियर भी पढ़ते हैं, इसमें प्रॉब्लम नहीं है, लीनियर आप कहिए लाइनियर कहिए नो प्रॉब्लम। आर स्क्वायर मैक्स, आर हमारा वेरिएबल हुआ और उसकी पावर कितनी है मैक्सिमम 2 यानी क्वाड्रेटिक, ठीक है क्वाड्रेटिक। लास्ट ऑप्शन 7x⁻³, एक्स की पावर कितनी है 3 है, क्यूबिक, अब क्यूबिक क्वाड्रेटिक और लीनियर ये हमारा बेस होता है डिग्री पर, जैसी डिग्री उस पॉलिनोमियल की वैसा उसका नाम, 1 हुआ हमारा मैक्सिमम पावर, या बोल सकते हैं डिग्री अगर 1 हुई तो लीनियर, डिग्री अगर 2 हुई तो क्वाड्रेटिक, डिग्री अगर 3 हुई है ना 3 तो हमारा क्यूबिक। इजी, थैंक यू फॉर वॉचिंग, कहीं प्रॉब्लम आती है तो आप कॉन्टैक्ट करिएगा, थैंक यू।